सिवनी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक मां से बिछड़े हुए बच्चे को 2 दिनों के बाद मिलवा दिया। दरअसल यह पूरा मामला जिला चिकित्सालय से चोरी हुए नवजात बच्चे का है, जहां 24 मई को जिला अस्पताल से एक नवजात बच्चे को चुरा लिया गया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर भी कई सवालिया निशान उठाए गए थे, जिसके चलते सिवनी पुलिस ने अपनी खोजबीन मुस्तैदी से की और बच्चा चोरों को अपनी गिरफ्त में लिया। यह बच्चा चोर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से पकड़ा गया और फिर इन्हें सिवनी लाया गया। बच्चे को जैसे ही एसपी ललित साक्यवार के द्वारा मां के सुपुर्द किया गया, मां के चेहरे में पूरे संसार की संतुष्टि नजर आई। आरोपियों में 3 महिला जिसमे 1 16 वर्षीय नाबालिका भी शामिल है और 2 पुरुष को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी तो इनको यहां लाए हैं, आगे इनसे और कड़ी पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और भी कहीं घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली कि जिला अस्पताल से बच्चा गायब हो गया है। पुलिस ने इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल जो हॉस्पिटल में जाके देखा तो सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चे को ले जाती हुई दिखी, और बाद में वो महिला जो हमने शहर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक महिला और उनके साथ जुड़ गई। तब पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल उसमें टीम गठित की गई और टीम के द्वारा पूरे सिवनी में पूछताछ की गई। उसमें एक आसिफ नाम का व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये महिला आसिफ नाम का व्यक्ति उसके साथ देखी गई, जो कि 108 का ड्राइवर है। जब आसिफ को पकड़ा तो उससे कुछ सूत्र हाथ में लगे, जिनके आधार पर पुलिस जयपुर और शिवपुरी वहां पर पुलिस की टीमें लगी थी। इसमें जब दोनों की लोकेशन एक जगह स्टैटिक हो गई तो रात को 1:30 बजे दबिश देके शिवपुरी के कोला रस से गाँव खैराना से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा सकुशल है और अभी चूंकि 4-5 दिन का ही हुआ है तो इसमें जो पूरी टीम है उसने बहुत बढ़िया से काम किया। इनका जो बच्चा जो अभी प्राइमर पीसी जो बताया गया है कि इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा प्राप्ति के पति के द्वारा भी जो सुकॉल्ड पति है के द्वारा भी इसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमें बच्चा चाहिए, क्योंकि उसके घर में कोई है तो उसका भी पूरा वेरीफाई करेंगे अभी। और उसी तारतम्य में ये इन्होंने प्लान बनाया कि सिवनी में जाके, चूंकि ये महिला पहले सिवनी में रही है दुर्गा भाई जो कि मेन एक्यूज्ड है, उसके यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर पंडित शर्मा से संबंध बने, फिर उसके साथ शिवपुरी जाके रहने लगी, फिर इनको जब बच्चा चाहिए था जो इन्होंने बताया है तो ये सिवनी में है। सिवनी में इनकी एक मदद कविता रजक नाम की महिला ने की, उसने शेल्टर दिया, पूरा हॉस्पिटल की रेखी की। पहले दूसरा बच्चा भी दिखाया लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर 2 दिन से रैकी करते रहे और जो आसिफ है आसिफ ने इनकी पूरी मदद की। और जब जो परिवार है जो नवजात शिशु के साथ परिवार के साथ इन्होंने दोस्ती गाटी और जब बच्चा रोने लगा तो इन्होंने खिलाने के बहाने से बच्चे को लिया और लेके रफू चक्कर हो गया। क्या कार्रवाई की गई थी इसमें 34 और 120 थी, और जो भी इनसे बातचीत में भी और खुलासे हुए उसके अनुसार अप्रोप्रिएट सेक्शन लगाई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी इसमें, जितने भी इसमें इनकी टीम में थे 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। थैंक यू।